श्रावण मास के प्रथम सोमवार यानी 10 जुलाई को प्रसिद्ध श्री राजेश्वर मंदिर पर मेला आयोजित होगा। मेले का शुभारंभ 9 जुलाई की शाम को हो जाएगा। 20 से अधिक झांकियां निकाली जाएंगी। इस बार राजस्थानी ऊंटों पर सवार श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फिलहाल मेला स्थल अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं में प्रशासन के प्रति कड़ी नाराजगी है। श्रावण मास के पहले सोमवार को श्री राजेश्वर मेले में हजारों की संख्या में शिव भक्त उमड़ते हैं। यहां के चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन के लिए 9 जुलाई शाम से ही श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो जाएगी। श्री राजेश्वर मेला मंदिर कमेटी के संगठन मंत्री विपुल शर्मा ने बताया कि इस बार राजस्थान से 40 ऊंट मंगाए गए हैं, 20 अधिक झांकियां निकलेंगी और झांकियों के साथ ऊंटों पर सवार होकर श्रद्धालु चलेंगे। इस बार लाइटिंग का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। गोल चौराहे तक रंग बिरंगी रोशनी की जाएगी। लाइटिंग के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है। दरअसल आगरा में 4 प्रमुख शिव मंदिर हैं, जिनमें श्री राजेश्वर मंदिर में चमत्कारी शिवलिंग है। सावन के पहले सोमवार को श्री राजेश्वर मंदिर में मेला लगेगा। राजस्थानी ऊँटों पर सवार श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मान्यता के अनुसार बताया गया है 800 वर्ष पुराना मंदिर है राजेश्वर मंदिर। दिन में 3 बार रंग बदलता है। मंगला आरती के दौरान शिवलिंग सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, दोपहर की आरती के समय हल्का नीला और शाम को आरती के समय गुलाबी दिखने लगता है। शिवलिंग के रंग बदलने के इस चमत्कार को देखकर भक्त आनंदित हो जाते हैं। मेरा नाम विमल तिवारी है और मैं यहाँ मंदिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हूँ। ये बहुत हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित बात है कि आगरा जैसा शहर, जो आगरा केवल ताजमहल के नहीं शिव नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आस्था का चैनल है। वो आस्था का ये सबसे बड़ा हमारा ये पूरा आगरा है। ये चारों महादेवों की परिक्रमा लगती है, जिसमें से सर्वप्रथम राजेश्वर महादेव का मेला सावन मास के प्रथम सोमवार को लगता है। आज से सावन शुरू हो गया है और अगले सोमवार यानी 10 तारीख का मेला है। हमारे यहाँ जो प्राचीन पिंडी है वो करीब 800 साल पुरानी पिंडी है और इस पिंडी का जो ऊर्जा है, इसकी जो चमत्कारी है, वो सबसे ये है कि अगर आप सुबह इसको देखेंगे तो इसका सफ़ेद कलर का रंग होता है और आप दोपहर में देखेंगे तो इसका कंठ नीला और वाइट होगा, शाम को श्वेत रंग टाइप का होता है, हल्का सा पीले कलर का। इस दौरान श्री राजेश्वर मंदिर मेला कमेटी के अध्यक्ष संजय उपाध्याय और श्री राजेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष विमल तिवारी एडवोकेट ने दर्पण न्यूज के संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा को बताया कि श्री राजेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास 800 वर्ष से भी पुराना है। राजा खेड़ा भरतपुर के एक सेठ अपनी बैलगाड़ी से इस शिवलिंग को नर्मदा नदी के तट पर स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे। आगरा में श्री राजेश्वर मंदिर स्थल पर वे विश्राम के लिए रुके थे। यहाँ एक कुआं था, सेठ को झपकी लगी, तभी उन्हें सपना हुआ कि इस शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दो। सपने में यह बात उन्हें भोलेनाथ ने कही। इसके बाद सेठ ने सपने को झूठा समझते हुए शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग उठा नहीं सके। शिवलिंग यहीं स्थिर हो गया और तभी यहाँ श्री राजेश्वर महादेव मंदिर के रूप में भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। मेला कमेटी अध्यक्ष संजय उपाध्याय 2023। मंदिर की विशेषता, दिन सुबह सफेद कलर के होते हैं, दोपहर पे नीले कलर के होते हैं, शाम को पिंक कलर के होते हैं और सभी भक्तों के लिए इस बार विशेष सुविधा की गई है। उसमें बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, उसमें लेन लगा के दर्शन होंगे और बहुत बड़ी मान्यता है, 850 साल पुरानी। लाइटिंग बैटिंग दिल्ली से सारे आदमी आए, बाहर से आदमी आए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी होगी। और एक दिन पहले झांकी निकालेंगे भोले बाबा की, हमें ऊँट घोड़ा और बहुत भव्य तरीका से कम 10,000 आदमी की भीड़ होगी, भव्य तरीका से लाइटिंग लगाएंगे। क्षेत्रीय जनता से यही अपील करते हैं, हर बार ही करते हैं, वो तो आते ही बढ़ चढ़ के आते हैं, 2-4 लाख आदमी तो हर बार आते ही आते हैं, अब कहीं और बढ़ के आएंगे, इसलिए कि बहुत अच्छी इस बार व्यवस्था बनाई गई है। मेरा नाम जयंती उपाध्याय है, मैं मेला कमेटी 2023 का मेला संयोजक हूँ। ये जो मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, राजेश्वर, प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर, ये लगभग 850 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी विशेष मान्यता है, आगरा में जो 4 महादेव है, राजेश्वर, बल्केश्वर, पृथ्वीनाथ और कैलाश, उन सब में सावन का पहला सोमवार बाबा राजेश्वर भोलेनाथ का होता है। लाखों दर्शनार्थी बड़ी दूर दूर से, कई राज्यों से यहाँ दर्शन करने आते हैं। जिनकी जो भी इच्छा होती है किसी की भी, बाबा भोलेनाथ उसे अवश्य पूरी करते हैं। इस बार दर्शन करने जो भी दर्शन दर,
दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए लाइन लगाकर कूलर पंखों की व्यवस्था की गई है, किसी को भी कोई अव्यवस्था ना हो दर्शन करने वालों को, इसलिए अंदर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, अंदर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, लाइन में लगकर सभी लोग दर्शन करेंगे और झूलों पर भी विशेष इंतजाम किया गया है, वहां भी प्रशासन की व्यवस्था रहेगी जिससे कि कोई किसी भी मेला देखने आने वाले को कोई दिक्कत ना हो। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।